अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर हो, आप इससे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। सो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़, जो कि बहुत ईजली और क्विकली बन जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। सो मेरी फर्स्ट रेसिपी है जैम ब्रेड की रेसिपी। जैम ब्रेड फ्रेंड्स सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट मील होता है। तो जैम ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड को टोस्ट करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स मैं यही कोशिश करती हूँ कि लंच बॉक्स में बच्चों को कुछ ना कुछ फ्रूट्स ज़रूर दिया जाए, खासकर सीजनल फ्रूट। बच्चे फ्रूट्स बहुत मन से खाते हैं और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आज जान को लंच में दे रही हूँ वाटरमेलन, जो कि वो बहुत पसंद से खाता है। फ्रेंड्स आप चाहे तो अपने बच्चों के पसंद का कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे बस ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो चुका है, इसमें मैं अच्छे से जैम को स्प्रेड कर दूंगी। स्प्रेड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको एज अ सैंडविच टाइप का बना लूंगी। इस सैंडविच को फ्रेंड्स मैं बस नॉर्मली बीच से अच्छे से कट कर दूंगी इस शेप देने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी जैम ब्रेड की रेसिपी रेडी है। बस इसको मैं लंच बॉक्स में रख दूंगी और फ्रेंड्स मैं 2-3 कैंडीज़ भी ऐड कर दूंगी बच्चों के लिए। सो ये मेरा फर्स्ट लंच बॉक्स तैयार है। और फ्रेंड्स मेरी सेकेंड लंच बॉक्स की रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है, जो कि है मिनी बर्गर की रेसिपी। उसको बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्राउन ब्रेड को मैं बेलन से अच्छे से बेल लूँगी, फिर मैं इसको ग्लास के हेल्प से राउंड शेप का कट कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप में मैंने अच्छे से कट कर लिया है एक बर्गर का शेप देने के लिए। सो फ्रेंड्स अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी स्प्रेड चीज़, जो कि अमूल की बहुत ईजली मिल जाती है और नॉर्मल सबके घर में होती है। तो मैं बस यहाँ चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर दूँगी लॉटस सलाद पत्ता, उसके ऊपर मैंने आलू की टिक्की को अच्छे से मैश कर दिया है। और फिर ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स केचप, जो कि सारे बच्चों का फेवरेट होता है। और बस मेरा बर्गर तैयार है, मिनी बर्गर, जो कि इंसान बहुत मज़े से और बहुत दिल से खाता है। और मील को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं उसको 4 से 5 खजूर दे रही हूँ। खजूर काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए और बच्चों को काफ़ी पसंद भी होता है। तो ये मेरी सेकेंड लंच बॉक्स आइडिया जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप भी ट्राई करिएगा। बहुत इजी और बहुत क्विकली बन जाता है और बच्चे उसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड लंच बॉक्स आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रेड वॉलनट और चॉकलेट की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बच्चे के पसंद का ड्राई फ्रूट अच्छे से कट कर रही हूँ, जो कि उसको वॉलनट और कैशोनट बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड को अच्छे से पैन में दोनों तरफ से सेक ली हूँ। इसके बाद मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स कट करके रखी हूँ उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरे ब्रेड में। वॉलनट फ्रेंड्स बहुत फ़ायदेमंद भी होता है दिमाग के लिए भी और ऐसे भी, और इंसान को बहुत पसंद भी है। आप चाहे तो अपने बच्चे का जो भी फेवरेट ड्राई फ्रूट है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स मैं इसमें चॉकलेट सिरप ऐड करूँगी। चॉकलेट सिरप ऐड करने से इंसान बहुत ही खुश होने वाला है और बहुत मज़े से पूरा लंच बॉक्स फिनिश कर देता है, और जो कि काफ़ी हेल्दी भी होता है। ब्राउन ब्रेड भी हेल्दी होता है फ्रेंड्स, और कैशू नट भी हेल्दी होता है, वॉलनट भी हेल्दी होता है। बस ये सारा एक हेल्दी चीज़ को मिला के मैंने एक रेसिपी बनाने की कोशिश करी है। और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड कर दूंगी, जिससे इंसान को लंच बॉक्स खोलते ही दिख जाए कि हाँ इसमें चॉकलेट वाला कुछ है और वो अच्छे से खा ले। फिर फ्रेंड्स ऐसी एज यूजुअल मैं यहाँ पे कोई ना कोई सीजनल फ्रूट ऐड करती हूँ लंच बॉक्स में, तो मैं आज उसको ग्रेप्स दे रही हूँ। तो बस ये मेरा थर्ड लंच बॉक्स तैयार है। फोर्थ लंच बॉक्स आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो इतना हेल्दी तो नहीं है बट सारे बच्चों को पसंद है और मैं वीक में बस एक बार उसको देती हूँ, जो कि है मैक्रोनी की रेसिपी। मैक्रोनी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने पैन को अच्छे से गर्म करके इसमें ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें अनियन, कैप्सिकम और रफली टोमेटो जो चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी, सारे सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स मैं पिंच ऑफ कोरिएंडर लीफ,
और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें हल्का सा पिंच ऑफ नमक डाल के, हल्दी डाल के और थोड़ा सा मिर्ची डाल के उसको अच्छे से सॉटे कर दूँगी और अपनी सब्जियों को पका लूँगी। आप चाहें फ्रेंड्स तो अपने बच्चों के पसंद की सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुआ या जो भी आपको कैबेज वगैरह ऐड करनी है। मैं इसमें सिर्फ अनियन, टोमेटो और कैप्सिकम ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मैक्रोनी को पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। मैक्रोनी को फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से सॉटे कर लूँगी और थोड़ा सा पका लूँगी। फ्रेंड्स मील को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केचप, जिसे जान बहुत पसंद से खाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, इसको मैं अच्छे से लंच बॉक्स में सर्व कर दूंगी। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी 4 टाइप ऑफ लंच बॉक्स आइडियाज़, जो कि बहुत इजीली और क्विकली बन जाता है और बच्चे बहुत मन से खाते हैं, पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके ही आते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और इस व्लॉग को मैं फ्रेंड्स यहीं एंड करना चाहूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।